अच्छा और यहाँ पर एक मैसेज भी दिया गया बदलापुर में जो बच्चियों के साथ मोलेस्टेशन किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं जितने भी यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और ये दही हांडी जो है वो एक मकसद के साथ है, जो कि हाल ही में इतना बड़ा हादसा बदलापुर में हुआ है दो बच्चियों के साथ, जो कि 4 साल की बच्चियाँ थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि कहीं ना कहीं जो आज का यूथ है जो हमारा, वो इतना डरा हुआ है, खासकर जब हमारे गुरुकुल हमारे स्कूल जैसी जगहों पे जहाँ पे माँ बाप निश्चिंत होकर बच्चों को भेजते हैं और इतनी छोटी बच्चियों के साथ जब स्कूल के ही स्टाफ मेंबर्स ऐसी हरकत करते हैं, मतलब ये बहुत ही दयनीय और निंदनीय बात है। और जहाँ तक हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, जब सरकार नहीं सुनती है, जब सिस्टम नहीं सुनता है, तो लोगों को सड़कों पर आना पड़ता है। और आप ये मानिए कि जिस दिन ये हादसा हुआ पुलिस ने कंप्लेन नहीं लेनी ज़रूरी समझी। इस हादसे को आज 1 हफ्ता होने को आ गया है, कहीं भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो मेरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि उन माँ बाप की बात सुनी जाए। और जितने भी हादसे हो रहे हैं, हाल ही में मणिपुर में हुआ, कलकत्ता में हुआ, आप देखिए कि महिलाओं को कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और सिस्टम सुन नहीं रहा है। तो मेरा ये मानना है कि मैं दरख्वास्त करूंगी खासकर शिक्षा मंत्रालय से और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि आप इस पे एक्शन लें और जो भी इसके आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उनको कोई उनके प्रति दया नहीं दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ये मैसेज ऑडियंस को देंगे या हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये देगी तो मुझे लगता है कि सेंटर पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा कुछ कानून बनाना चाहिए कि इनको कहीं भी माफ़ी ना मिले। ये मेरी दरख्वास्त है। ये बहुत ही खुशनुमा महोत्सव है, हम सब मनाते हैं कृष्ण भगवान की जन्म दिवस का ये उत्सव मनाया जाता है। सभी दही हांडी वाले और जो लोग इतने बच्चे मेहनत करते हैं, टोलियां मेहनत करती हैं, हम लोग देखते हैं, मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी और कहूंगी कि सेफली करें, पहले अपनी भी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चोट भी लगती है इसमें। और अच्छे से खुशहाली से ये उत्सव मनाया जाए और पॉजिटिविटी के लिए ये होता है, सब लोग साथ में मिलके मनाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा माहौल महाराष्ट्र में हो जाता है। थैंक यू। वेब सीरीज करतो है, चित्रपट करतो है, रियालिटी शो करतो है, टीवी शो करतो है, बीजेपी साठी मोठ्या प्रमाणात कॅम्पेनिंग पण करतो, आपण अनेक ठिकाणी मला पाहिलंही असेल, तर हे सगळं काम करत असतो। आणि फक्त इथेच नव्हे तर देश विदेशात, लंडन, हाँगकाँग इथे इथेही मला बोलवलं जातं आणि मोदीजींचे विचार जे आहेत ते पोचवण्याचा मी प्रयत्न करत असतो। मित्रांनो, बस तुमचा सगळ्यांचा आशीर्वाद असायला हवा। आज मला इथे तुम्ही बोलवलेलं आहे, हा सराव जो काही चाललेला आहे